नमस्कार क्लास इलेवेंथ के स्टूडेंट, फिजिक्स का आपका बढ़िया मस्त एक रोचक प्रश्न है, इंटरेस्टेड है। देखिए क्या प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रोट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट मीन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो हमें प्रूव करना है कि रूट मीन जो है, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वह किसके प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रूट के, स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम बी वन स्क्वायर प्लस हाफ, जैसे एक कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है और एक बॉक्स में, मतलब मॉलिक्यूल्स हैं एक बॉक्स में, गैस भरी हुई है, तो वो क्या होगा, वो वेलोसिटी में होगा, उसका मास एम है, वेलोसिटी बी है। तो देखो एम एक मास है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका मास सबका कैसा होगा, सेम होगा, एक प्रकार की गैस है, मान लो हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट का, ठीक है, तो वेलोसिटी अलग अलग होगी, कोई यहाँ टकरा रहा, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ वेक्टर, ठीक है, तो हाफ बी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम बी टू स्क्वायर, इस प्रकार चलते चलते हाफ एम बी एन स्क्वायर, अनंत, बहुत सारे एन नंबर। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, एम कॉमन ले लेंगे, हाफ एम बी वन का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर, इस प्रकार बी एन डेड डेड डैश बी एन का स्क्वायर तक। ठीक है, ये ऊपर से आया हमारा। ठीक है, अब हम इधर एन का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, एन का ऊपर करेंगे, एन क्या है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने भी नंबर। ठीक है, जब हम इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। ठीक है, इधर देखिए बी वन का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर, इस प्रकार किया, बटे में हमने अफान में एन किया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बी आर एम एस, यानी बी आर एम एस स्क्वायर, यानी जे बी क्या है, जे क्या है, जे हमने यहाँ लिख दी है, बी आर एम एस स्क्वायर है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है जी, जो हमें क्वेश्चन में बताई गई है, और एन है नंबर ऑफ, और वन वाई एम ये मास क्या है, मास ऑफ हा मॉलिक्यूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल गैस जो हुई, वन मोल यानी वन मोल में कितने वो होते हैं, क्या मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर यानी 6.022 मल्टीप्लाई 10^24 23^10 यानी एन ए जी, एन ए एवोगाड्रो नंबर है, एन ए की वैल्यू कितनी होती है, एवोगाड्रो नंबर कितनी होती है, 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 इतने नंबर। ठीक है, पर मोल इतने होते हैं, यानी इतने मॉलिक्यूल्स वन मोल का। ठीक है, ओके, तो ये हो गई अपनी वन मोल गैस की, ठीक है, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब नीचे अभिनो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल गैस कितनी होती है, 3/2 RT, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यहाँ लिख दिया हमने, यानी एवोगाड्रो नंबर आपको एग्जाम में लिखना होगा, बी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या। ठीक है, एम है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और आर है यूनिवर्सल कांस्टेंट, इधर लिख लेना। ठीक है, और इधर देखिए, अब हम ए और ए इक्वल होगी, ए वन मोल की काइनेटिक एनर्जी, ए भी वन मोल की, तो हमने इसको इक्वल कर दिया, 3/2 RT इज इक्वल टू 1/2 mv² मल्टीप्लाई, यानी एवोगाड्रो नंबर है, 2 से 2 कैंसिल हो गए, बोले हाउ, अब बी आर एम एस मैंने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, हमने इस साइड ली, इसको हमने इस साइड ट्रांसफ़र किया। ठीक है, इसे तो जी इधर जाके अपान में पहुंच गया जी, और एम मास पहुंच गया। ठीक है, तो हमारा आ गया बी आर एम एस वेलोसिटी अंडर रूट 3 RT / mNa एवोगाड्रो नंबर। अब हमें पता है जे आर कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, बदलता रहता है, लेकिन थ्री कांस्टेंट है, मास ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहेगा, एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जे है। ठीक है, तो इधर देखिए 3R/mJNa इसका जो मल्टीपल है अंडर रूट में, ये कांस्टेंट मान लेते हैं, तो बी आर एम एस इक्वल टू कांस्टेंट अंडर रूट में, कांस्टेंट अंडर रूट में टी। ठीक है, अब कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का आता है, तो जी क्या हो गया, बी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। देखिए यही तो पूछा था, स्क्वायर रूट ऑफ टू, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हेंस प्रूव
हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा आंसर मिल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें वीडियो को रुक कर, और इसी प्रकार फिजिक्स से जुड़ी लॉजिकल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल ऊपरी ज्ञान को, अपने चैनल ऊपरी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपकी राय हो, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, समझ में आया नहीं आया, या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शनल में लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दें और भेज दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कहीं समस्या हो रही समझ में तो कमेंट कर दें।